गर्मियों में रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक सबको अच्छी लगती है और रसना तो सभी का फेवरेट होता है। आज हम बनाते हैं रसना, वो भी तीन फ्लेवर्स में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज हम बनाएंगे रसना तीन फ्लेवर्स का, मैंगो, पाइनएप्पल और ऑरेंज। इसमें मैंने डाली है एक स्पेशल आइस, उसके लिए आप पूरी वीडियो देखिए। आज हम रसना तीन फ्लेवर का बनाने वाले हैं, पाइनएप्पल, ऑरेंज और मैंगो। एक पैकेट रसना के लिए 1 किलो चीनी चाहिए होती है। ये 1 किलो चीनी है पूरी। मैं तीन पैकेट्स बना रही हूँ अलग अलग फ्लेवर के, इसलिए मैंने 3 किलो चीनी ली है, ये देखिए। और हमें चाहिए 1 नींबू। 1 किलो चीनी के लिए 1 किलो ही पानी चाहिए होता है, यानी कि जितना चीनी उतना ही पानी। मैंने इसे ग्लास से नाप लिया है, ये 3 ग्लास चीनी है, तो इसमें मैं 3 ग्लास ही पानी डालूंगी। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये रसना बहुत पतला बन जाएगा। अब हम इसे गैस पर रखेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं उबालना, हमें तब तक ही इसे चलाना है जब तक कि इसकी चीनी घुल नहीं जाती और इसमें एक बॉयल आ जाता है। देखिए, इसमें एक बॉयल आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने नींबू लिया था, आधा नींबू का रस डालेंगे हम इसमें। नींबू का रस डालते ही ये सिरप एकदम क्लीन हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी मैल नहीं रहेगी। अब हम गैस को बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा बॉईल करके हमें चाशनी नहीं बनानी, जब तक ये ठंडा होता है हम आइस बना लेते हैं। रसना के लिए हमें एक आइस ट्रे लेनी है, उसमें हम इस तरीके से नींबू डाल देंगे, एक एक में छोटे छोटे स्लाइस नींबू के, और एक एक पुदीने का पत्ता डाल देंगे। और उसके ऊपर हम पानी डाल के इसे हम फ्रीज़र में 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे, ताकि आइस अच्छे से जम जाए। इस आइस को आप नींबू पानी में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शरबत में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आइस एकदम अच्छे से जम गई है। इसे हम इसे निकालते हैं और ये देखने में भी कितनी प्यारी लग रही है, और इसमें पुदीने और नींबू का फ्लेवर भी है, तो इसे आप जिसमें डालेंगे उसी में इसका फ्लेवर आ जाएगा। अब ये सिरप भी अच्छे से ठंडा हो गया है, अब हम रसना रेडी कर लेते हैं। ये एक रसना का बॉक्स आता है, इसे हम पहले ओपन करेंगे। इसके अंदर 2 पाउच निकलते हैं। सबसे पहले मैं मैंगो बना रही हूँ, ये देखिए। एक में लिक्विड होता है और एक में ड्राई पाउडर फॉर्म में कलर होता है। इसे आप बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। पहले हम पाउडर डाल देंगे इसमें, और लिक्विड फॉर्म में जो इसकी एसेंस होती है वो भी हम इसमें डाल देंगे। मैंगो फ्लेवर का रसना रेडी है। अब हम इसे छान लेंगे, हम इसे डबल छन्नी में छानेंगे। छानने से इसकी सारी मैल वगैरह हट जाती है, इसलिए इसे हम छान लेंगे। इसे बॉटल में भर के हम 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पाइनएप्पल भी रेडी कर लेंगे। वैसे ही सीरम बनाना है, उसे ठंडा करके उसका लिक्विड और कलर एसेंस डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है उसे, और फिर डबल छन्नी की हेल्प से हम इसे छान लेंगे। इस तरीके से आप इसके कोई भी फ्लेवर आप रेडी कर सकते हैं। अब हम बनाने वाले हैं हम सबका फेवरेट ऑरेंज फ्लेवर। वैसे ही हमें सीरम रेडी करना है, उसमें लिक्विड डालना है, ड्राई पाउडर डालना है कलर फॉर्म में जो होता है, और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इसे एक साफ़ बॉटल में भरिए और 1 से 1.5 महीने तक आराम से आप इसे यूज़ कीजिए। थोड़ा सा ठंडा पानी और बर्फ़ डाल के आप इसे फटाफट रेडी कर सकते हैं, और इसे छान कर ही बॉटल में भरे। देखिए, ऑरेंज फ्लेवर भी एकदम रेडी है। अब हम लेंगे एक टॉल ग्लास, उसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच जो रसना हमने रेडी किया है, और जो हमने आइस रेडी की है नींबू और पुदीने वाली, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम डाल देंगे सोडा, आप चाहें तो इसे पानी से भी बना सकते हैं। देखिए, हमारा रसना एकदम सर्व करने के लिए रेडी है, और 3 कलर के रसना कितने प्यारे लग रहे हैं। इन 3 फ्लेवर में से आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जब भी ठंडा पीने का मन करे तो चीनी घोलने की टेंशन नहीं रहेगी। फ्रिज से रसना निकालिए, बर्फ़ डालिए, पानी डालिए, रसना एकदम रेडी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स।